वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2017 में आई मूवी द पोस्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक पॉलिटिकल ड्रामा और थ्रिलर मूवी है और मूवी के लीड रोल में है टॉम हैंक्स। मूवी की शुरुआत में हमें वियतनाम में 1966 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूएस के कुछ सोल्जर्स बैटल के लिए रेडी हो रहे होते हैं। असल में ये जगह यूएस आर्मी का कैंप साइट है और करंट में वियतनाम वॉर चल रहा है, और इसी कैंप में डेनियल एल्सबर्ग नाम का आदमी भी मौजूद है, जो कि असल में यूएस स्टेट का मिलिट्री एनालिस्ट है और वो वियतनाम में वॉर की प्रोग्रेस को चेक करने आया है। इसके बाद सोल्जर्स का प्लाटून जंगल की तरफ चल देता है। रात को जब प्लाटून जंगल के बीच से होकर जा रहा होता है, तभी इन पर हमला हो जाता है और फिर काफी देर फाइट के बाद प्लाटून के ज्यादातर सोल्जर मारे जाते हैं, क्योंकि अंधेरे और जंगल में फाइट करना काफी मुश्किल है। नेक्स्ट डे डेड और इंजर्ड सोल्जर्स को ले जाया जाता है। इसके बाद डेनियल प्लेन से यूएस लौटने लगता है और इसी प्लेन पर डेनियल सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रॉबर्ट मैकमेरा को अपनी रिपोर्ट देता है। रॉबर्ट पूछता है कि वॉर की क्या प्रोग्रेस है, सिचुएशन अच्छी है या बुरी। तो डेनियल बोलता है कि सर, सिचुएशन जैसी पहले थी अभी भी वैसी ही है। और ये सुनकर रॉबर्ट कंक्लूड करता है कि सिचुएशन काफी खराब है, क्योंकि यूएस ने वियतनाम में अपने सोल्जर्स की तादाद काफी ज्यादा बढ़ा दी है, मगर फिर भी सिचुएशन पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। इसके बाद जब इनका प्लेन यूएस में लैंड करता है, तो मिस्टर सेक्रेटरी मीडिया के सामने झूठ बोल देते हैं कि वॉर में अच्छी प्रोग्रेस हुई है। खैर, रॉबर्ट पब्लिक के दिमाग में वॉर प्रोग्रेस को लेकर नेगेटिव इम्प्रेशन नहीं डालना चाहता, क्योंकि इससे पब्लिक पैनिक हो सकती है। रॉबर्ट मैकमेरा ने पब्लिक के सामने झूठ बोला है, तो ये देखकर डेनियल काफी नाखुश है कि कैसे पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। इसके बाद डेनियल सीक्रेटली एक लॉकर से कुछ फाइल्स निकाल लेता है और इन फाइल्स में हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें सेक्रेटरी रॉबर्ट मैकमेरा ने वियतनाम वॉर की स्टडी प्रिपेयर की हुई है। इसके बाद डेनियल अपने दो कलीग से जाकर मिलता है और उन्हें सीक्रेट फाइल दिखाता है, और ये लोग जल्दी से इन फाइल्स की जेरोक्स निकालने लगते हैं। और हमें पता चलता है कि यूएस के चार प्रीवियस प्रेसिडेंट वियतनाम वॉर के रिकॉर्डिंग पब्लिक और प्रेस के सामने झूठ बोलते आ रहे हैं, और वो लोग रियल फैक्ट्स को कवर कर रहे हैं। वो देश की आवाम से 30 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं कि वो वॉर जीत रहे हैं, मगर असल में हालात ऐसे नहीं है। इसके बाद हमें ईयर 1971 वॉशिंगटन डीसी का सीन दिखाया जाता है, जहां कैथरीन गैहम नाम की एक पब्लिशर अपने फ्रेंड से मिलती है और अपनी न्यूज़पेपर कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाने के बारे में डिस्कस कर रही होती है। असल में कैथरीन वॉशिंगटन पोस्ट नाम न्यूज़पेपर कंपनी की पब्लिशर है, और कुछ समय से कैथरीन और कंपनी के पास पैसों की कमी चल रही है, तो कैथरीन अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है, ताकि पब्लिक उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके और उनका न्यूज़पेपर बिजनेस में बना रहे। खैर, हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की लिस्टिंग वगैरह की डिटेल में नहीं जाएंगे। तभी कैथरीन को यूएस चीफ ऑफ स्टाफ का कॉल आता है और ये लोग कुछ देर बातें करते हैं। इसके बाद कैथरीन अपने न्यूज़पेपर के एडिटर और क्लोज फ्रेंड बेन ब्रैडले से मिलती है और बताती है कि आज मुझे चीफ ऑफ स्टाफ का कॉल आया था कि मिस्टर प्रेसिडेंट के ऑर्डर हैं कि उनकी बेटी ट्रेसिया की शादी में वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टर जूडिथ को न्यूज़पेपर कवर करने के लिए भेजा न जाए। तो बेन और कैथरीन जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि जूडिथ अपने न्यूज आर्टिकल में अक्सर लोगों की बुराई करती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कैथरीन वॉशिंगटन पोस्ट की ओनर और पब्लिशर है, और वो अपने हस्बैंड फिल ग्रैहम की डेथ के बाद से वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर को अकेले ही संभाल रही है, और वो एक फीमेल है, इस वजह से न्यूज़पेपर कंपनी में उसकी कोई ज्यादा नहीं सुनता। खैर, 1970s के समय में ये सब तो आम बात थी, एक फीमेल बॉस को कोई भी भाव नहीं देता था। और बेन ब्रैडले वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी एक यंग लड़के को एक फाइल देकर बोलता है कि इसे न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर एब रोसेंथल के पास ले जाओ और उन्हें बोलना कि नील सिन्हा ने ये फाइल भेजी है, और ध्यान रहे कि रास्ते में एक सेकंड के लिए भी मत रुकना। और ये लड़का बिल्कुल ऐसा ही करता है। इसके बाद हमें वॉशिंगटन पोस्ट में बेन का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां पर न्यूज़पेपर के हायर अप से बेन ब्रैडले की मीटिंग होती है। बेन हायर अप से पूछता है कि क्या आप लोगों ने लास्ट कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नील सिन्हा को देखा है, वो कई इम्पोर्टेंट इवेंट से गायब है। मुझे डाउट है कि नील सिन्हा किसी बड़े केस पे काम कर रहा है। मगर हायर अप्स के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था, तो बेन एक इंटर्न को बुलाकर बोलता है कि तुम्हें सीक्रेटली पता लगाना है कि नील सिन्हा कहाँ है और वो किस केस पे काम कर रहा है, और ध्यान रहे ये काम बिल्कुल सीक्रेटली किया जाए। इसके बाद हमें वॉशिंगटन पोस्ट का मीटिंग रूम दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग कंपनी को पब्लिक करने और शेयर प्राइस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, मगर इन्हें पता चलता है कि इन्वेस्टर्स ने शेयर प्राइस वैल्यूएशन इनकी उम्मीद से काफी कम किया है। तो कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइजर आर्थर बोलता है कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि वॉशिंगटन पोस्ट का कोई ज्यादा फ्यूचर स्कोप नहीं है, क्योंकि उसे एक वुमेन लीड कर रही है। यहां हम देखते हैं कि कंपनी के हायर अप्स
कैथरीन को भाव नहीं देते और वो लोग कैथरीन का काफी मजाक उड़ाते हैं कि कैथरीन न्यूज़पेपर चलाने लायक नहीं है और बेचारी कैथरीन ये सब सुनकर काफी अपसेट है। वहीं दूसरी तरफ वो इंटर्न जिसे बेन ने न्यूयॉर्क टाइम्स भेजा था वो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक लिफ्ट तक पहुंच जाता है और वो न्यूयॉर्क टाइम्स के हायरअप्स की बातें सुन लेता है। वहीं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रॉबर्ट मैकमेरा कैथरीन से मिलता है और बोलता है कि हम लोग कई साल से अच्छे दोस्त हैं, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कल सुबह न्यूयॉर्क टाइम्स मेरे बारे में एक आर्टिकल छापने वाला है और वो आर्टिकल अच्छा नहीं होने वाला। इसके बाद कैथरीन बेन को कॉल करके बताती है कि मैं आज रॉबर्ट से मिली हूँ, उसने मुझे डिटेल में तो नहीं बताया मगर उसने कहा है कि कल सुबह के न्यूज़पेपर में उसके खिलाफ कुछ बुरा छपने वाला है जो कि उसकी इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो बेन रात को ही कंपनी पहुंच जाता है जहां पर वो इंटर्न बताता है कि मुझे ज्यादा तो पता नहीं चला मगर मैंने कल सुबह के न्यूज़पेपर का मॉक पेपर देखा है जिस पर नील सिहान लिखा हुआ था और यहां हमें पता चलता है कि नील सिहान न्यूयॉर्क टाइम्स का एक रिपोर्टर है और उसी का कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में कल छपने वाला है। और ये जानकर बेन बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसके बाद ये लोग नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी से न्यूयॉर्क टाइम्स पेपर खरीदते हैं जिसमें वियतनाम वॉर से रिलेटेड काफी बड़ा आर्टिकल छापा गया था और इसे लिखने वाला नील सिहान है और आर्टिकल में वियतनाम वॉर से रिलेटेड हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट एक्सपोज कर दिए गए हैं कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रॉबर्ट मैकमेरा को 1965 से पता था कि वियतनाम वॉर में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, सिचुएशन बिगड़ती जा रही है मगर रॉबर्ट मीडिया के सामने झूठ बोलता रहा कि वियतनाम वॉर में यूएस फेवरेबल पोजीशन में है। इसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट के ऑफिस में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी क्योंकि इतनी बड़ी खबर छपी, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ और वॉशिंगटन पोस्ट को इसके बारे में कोई भनक तक नहीं लगी। उन्हें सच जानने के लिए दूसरों का न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ रहा है। बेन बोलता है कि गवर्नमेंट के हायरअप्स वियतनाम वॉर के बारे में 30 साल से झूठ बोलते आ रहे हैं और इन 30 साल में 4 प्रेसिडेंट भी चेंज हो गए, यानी उन्हें भी पता था कि असल में क्या हो रहा है मगर फिर भी इस तरह की न्यूज पब्लिक से छुपाई जा रही है। बेन ये कहकर निकल जाता है कि कुछ भी करो मुझे वो लीक्ड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के पेजेस चाहिए। इसके बाद बेन कैथरीन के घर जाता है और बोलता है कि तुम रॉबर्ट मैकमेरा की अच्छी फ्रेंड हो, उसने तुम्हें कल कॉन्टेक्ट किया था। तो कैथरीन बोलती है कि रॉबर्ट मेरा ओल्ड फ्रेंड है मगर बेन इस बात से कन्विंस्ड नहीं है। वो बोलता है कि रॉबर्ट को पता था कि वो फंसने वाला है और इसीलिए ही उसने तुम्हें कॉन्टेक्ट किया था क्योंकि तुम वॉशिंगटन पोस्ट की पब्लिशर हो और तुम रॉबर्ट की हेल्प कर सकती हो। रॉबर्ट चाहता है कि तुम उसका साथ दो मगर कैथरीन इस सब बातों के लिए डिनाई कर देती है और बोलती है कि रॉबर्ट कभी भी मेरा यूज नहीं करेगा, वो एक अच्छा आदमी है। तो बेन कैथरीन से कहता है कि क्यों ना तुम अपना रिलेशन यूज करके रॉबर्ट मैकमेरा से उन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी निकलवा लो जो लीक हुई है। तो कैथरीन इस सब के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाली। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यू आर्टिकल की वजह से नेशन वाइड प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं। खैर कुछ भी हो, लोगों को तो प्रोटेस्ट करने का बस मौका चाहिए मगर इस टाइम प्रोटेस्ट के लिए इनके पास वैलिड कॉज है और कुछ लोग ऐसे में भी गाना बजाना कर रहे हैं। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट के ऑफिस में एक यंग लेडी एक रिपोर्टर की डेस्क पर एक पैकेज रख के चली जाती है। जब ये रिपोर्टर पैकेज के अंदर चेक करता है तो वो दंग रह जाता है और फिर वो जल्दी से बेन ब्रैडली के ऑफिस जाकर हायरअप्स को पैकेज दिखाता है और बाकी लोग भी पैकेज के अंदर मौजूद डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर काफी दंग रह जाते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें वियतनाम वॉर से रिलेटेड रॉबर्ट मैकमेरा की प्राइवेट स्टडी पेपर भेजे हैं और गाइज ये कॉन्फिडेंशियल फाइल्स वही हैं जो लीक हुई थी और इन्हें रॉबर्ट मैकमेरा ने ही लिखा था। इसके बाद हमें वॉशिंगटन पोस्ट का सीनियर रिपोर्टर दिखाया जाता है जिसका नाम बेन बैगडिगन है। गाइज इस मूवी में बेन नाम के दो आदमी हैं। पहले वाले बेन के बारे में तो आप जान ही चुके हैं जो कि वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटर है और ये दूसरे वाला बेन वॉशिंगटन पोस्ट का सीनियर रिपोर्टर है। सीनियर रिपोर्टर बेन एक पे फोन से हैरी रोवन नाम के एक आदमी को कॉल करता है। असल में हैरी रैंड कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। असल में रैंड कॉर्पोरेशन एक सिविलियन मिलिट्री कंसल्टेंट है, यानी ये कॉर्पोरेशन मिलिट्री और डिफेंस की थिंक टैंक है और रॉबर्ट मैकमेरा के स्टडी पेपर रैंड कॉर्पोरेशन से ही लीक हुए हैं। बेन बैगडिगन हैरी से बोलता है कि हम दोनों ही जानते हैं कि रॉबर्ट मैकमेरा की स्टडी फाइल्स पेंटागन के थ्रू रैंड कॉर्पोरेशन में सेफ कीपिंग के लिए रखवाई गई थी और हमें पता है कि वो फाइल्स रैंड कॉर्पोरेशन से ही लीक हुई हैं। बेन हैरी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है किस आदमी में इतने गट्स होंगे जो ऐसी फाइल्स लीक कर दे, क्योंकि जिसने भी ये फाइल लीक की है उसे स्टेट गद्दार घोषित करके बहुत बुरी मौत देगी। तो हैरी इसका कोई भी जवाब नहीं देता। तो बेन बोलता है कि कम ऑन हैरी, हम दोनों ही जानते हैं कि ऐसा काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, प्लीज मेरी उसे मुलाकात करवा दो। वहीं कैथरीन न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर एब और उसकी वाइफ के साथ डिनर करने जाती है मगर इसी डिनर के दौरान एक आदमी एब को कुछ बताता है जहां हमें पता चलता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट
न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, वो कोर्ट ऑर्डर से न्यूयॉर्क टाइम्स पर इंजंक्शन लगवाने वाले हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स वियतनाम वॉर रिकॉर्ड्स या रॉबर्ट मैकमेरा की स्टडी से रिलेटेड कोई भी न्यूज आर्टिकल नहीं छाप सकता। वहीं सीनियर रिपोर्टर बेन बैकडिगन एडिटर बेन ब्रैडली से मिलता है और बोलता है कि मैं एक आदमी को जानता हूं जिसने 60s में रॉबर्ट मैकमेरा के अंडर काम किया था और फिर उसने रैंड कॉर्पोरेशन ज्वाइन कर ली और कोइंसिडेंटली रैंड कॉर्पोरेशन मिलिट्री कंसल्टेंट है और उनके पास वियतनाम वॉर के ऊपर रॉबर्ट की स्टडी फाइल भी थी और अब ये फाइल्स लीक हुई हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर ये उसी आदमी का काम है। उसके पास ही ऐसा स्टंट पुल करने के लिए रिसोर्सेज और करेज है। तो बेन ब्रैडली बोलता है कि फिर सोच क्या रहे हो, जल्दी से उस आदमी को ढूंढो। मगर तभी बेन को कैथरीन का कॉल आता है कि प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के फेवर में डिसीजन लिया तो न्यूयॉर्क टाइम्स की बैंड बच जाएगी और कोई भी न्यूज़पेपर वियतनाम वॉर से रिलेटेड न्यूज नहीं छाप पाएगा। यानी वॉशिंगटन पोस्ट को रॉबर्ट की स्टडी से रिलेटेड पेपर मिल भी जाएं तब भी वो लोग कुछ भी छाप नहीं पाएंगे और ये जानकर बेन ब्रैडले खुश नहीं है। इसके बाद कैथरीन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जाती है ताकि वॉशिंगटन पोस्ट पब्लिक हो सके और जल्द ही कैथरीन को सभी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और फिर वॉशिंगटन पोस्ट के ऑफिस में छोटा सा सेलिब्रेशन किया जाता है। वहीं बेन बैकडिगन के काफी ट्राई करने पर उसे डेनियल एल्सबर्ग के बारे में पता चल जाता है तो वो जल्दी से डेनियल को कॉन्टेक्ट करने चला जाता है। इसके बाद सभी लोग टीवी न्यूज देखते हैं कि फेडरल जज के ऑर्डर के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स नेक्स्ट सैटरडे तक वियतनाम वॉर से रिलेटेड कोई भी न्यूज पब्लिश नहीं कर सकता। अब सभी लोग काफी परेशान है कि कोर्ट कब से न्यूज़पेपर पर बैन लगाने लगा और ऐसा अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। वहीं बेन बैकडिगन एक पे फोन से डेनियल एल्सबर्ग को कॉन्टेक्ट करता है और डेनियल बेन को अपना करंट एड्रेस बता देता है। इसके बाद बेन डेनियल से मिलने पहुंच जाता है। सो गाइज यहां पे क्लियर हो जाता है कि डेनियल वही आदमी है जो मूवी की स्टार्टिंग में वियतनाम में मौजूद था और उसने रॉबर्ट मैकमेरा को प्लेन पर वॉर प्रोग्रेस की रिपोर्ट दी थी। मगर जब रॉबर्ट मैकमेरा ने मीडिया के सामने झूठ बोला था तब डेनियल काफी नाखुश था और उसने ही रैंड कॉर्पोरेशन से रॉबर्ट मैकमेरा की वियतनाम वॉर रिलेटेड स्टडी फाइल चुराकर न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर नील सेहान को इस फाइल की एक कॉपी दी थी जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। और बेन और डेनियल एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं। डेनियल बेन को बोलता है कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट फाइल्स के 43 वॉल्यूम्स थे जिन्हें मैंने चुराया था और वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं। इनमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि न्यूज़पेपर वाले एक बार में इन्हें छाप भी नहीं सकते। इनमें इलीगल ऑपरेशन, वाइडनिंग द स्कोप ऑफ वॉर वगैरह वगैरह सब कुछ है। अगर पब्लिक को इस इन्फॉर्मेशन का पता चला तो वो लोग गवर्नमेंट और ऑनगोइंग वॉर के खिलाफ हो जाएंगे। बेन कहता है कि अगर मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ तो स्टेट वाले भी तुम्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे और तुम इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट माइन के ऊपर बैठे हो, तुम बहुत खतरे में हो। मगर डेनियल बोलता है जो भी होगा देखा जाएगा। डेनियल बोलता है कि बेन क्या तुम इन डॉक्यूमेंट को पब्लिश करोगे या नहीं, तो बेन प्रॉमिस करता है और कहता है कि हाँ हम इसे जरूर छापेंगे। इसके बाद रिपोर्टर बेन एडिटर बेन को कॉल करके बताता है कि मुझे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट मिल गए हैं। तो एडिटर बेन जल्दी से कैथरीन के घर पहुंच जाता है और कैथरीन से बोलता है कि हमें रॉबर्ट के वियतनाम वॉर से रिलेटेड स्टडी डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं। मगर कैथरीन तुम और तुम्हारे डेड हस्बैंड यूएस के प्रीवियस दो प्रेसिडेंट के अच्छे करीबी दोस्त रह चुके हो और अब तुम रॉबर्ट मैकमेरा की अच्छी फ्रेंड हो। तो कैथरीन सरप्राइज होकर बोलती है कि बेन क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हूँ और उनके खिलाफ न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल पब्लिश नहीं करूंगी। तो बेन हाँ बोलता है और कहता है कि कैथरीन तुम्हें चूज करना होगा कि तुम अपनी दोस्ती निभाना चाहती हो या वियतनाम वॉर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करके पब्लिक के सामने रियल ट्रुथ लाना चाहती हो। तो कैथरीन कोई भी जवाब नहीं देती। तो बेन रिमाइंड करता है कि वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी अब पब्लिक हो चुकी है, अब ये सिर्फ तुम्हारा फैमिली बिजनेस नहीं है, सो थिंक केयरफुली कि तुम्हें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट डे रिपोर्टर बेन एडिटर बेन के घर पहुंच जाता है जहां पर सभी लोग डॉक्यूमेंट्स को ऐसे देखते हैं जैसे कोई ट्रेजर हो। रिपोर्टर बेन बताता है कि ये फुल रिपोर्ट नहीं है मगर इनमें एटलीस्ट 4000 पेपर हैं। तो बेन ब्रैडली बोलता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स पर इंजंक्शन लगा हुआ है, यानी इस टाइम हमारा कोई भी कंपटीटर नहीं है, तो जल्दी से इन डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके कवर स्टोरी तैयार करो। और इसके बाद सभी लोग काम पे लग जाते हैं। इसके बाद बेन ब्रैडली रॉजर क्लार्क नाम के लॉयर से मिलता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो लोग डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करेंगे तो उन पर केस जरूर ठोका जाएगा। तो बेन अपना लॉयर पहले से ही तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन रॉबर्ट मैकमेरा के घर जाती है और बोलती है कि रॉबर्ट तुम मेरे अच्छे दोस्त हो मगर तुम मुझसे और कंट्री से कैसे झूठ बोल सकते हो जबकि पिछले 30 साल से वियतनाम वॉर में कोई भी रियल प्रोग्रेस नहीं हुई है और स्टेट अमेरिकन पब्लिक से झूठ बोलती आ रही है और न्यू यंग सोल्जर्स को वियतनाम वॉर में भेजा जा रहा है।
कैथरीन बोलती है कि रॉबर्ट टेल मी, जब तुम्हें पता था कि वॉर का कोई भी फायदा नहीं है तो हमारे अमेरिकन यंग लड़कों को वॉर में मरने के लिए क्यों भेजा जाता रहा? क्या तुम्हें और हायर अप्स को जरा सा भी नहीं लगा कि तुम लोग गलत कर रहे हो? तो रॉबर्ट अपने आप को डिफेंड करने का काफी ट्राई करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनने से पहले रॉबर्ट वॉशिंगटन पोस्ट में काम करता था और वो कंपनी का लीगल एडवाइजर था। रॉबर्ट बोलता है कि कैथरीन, मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, मगर ध्यान रहे कि मिस्टर प्रेसिडेंट इस मैटर से रिलेटेड काफी सीरियस हैं, तो बेटर बी प्रिपेयर्ड, तुम पे बहुत सारा प्रेशर डाला जा सकता है। इसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट के हायर अप्स कई सारे फोन से एक कॉन्फ्रेंस जैसा करते हैं। ज्यादातर लोग डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करना चाहते हैं, मगर कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करके उनकी न्यूज़पेपर कंपनी बर्बाद भी हो सकती है। मगर अब फैसला सिर्फ कैथरीन के हाथों में है। कैथरीन काफी देर सोचने के बाद सभी को ग्रीन सिग्नल दे देती है कि गो अहेड, उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करो, जो होगा देखा जाएगा। और ये सब सुनकर न्यूज़पेपर वाले काफी खुश हैं और जल्दी से टाइपराइटर पर पटर पटर चालू हो जाती है। लॉयर रॉजर क्लार्क रिपोर्टर बेन से पूछता है कि क्या हमारा और न्यूज़पेपर टाइम्स का इन्फॉर्मेशन सोर्स सेम आदमी है, और इस सवाल का जवाब बेन हाँ में देता है। तो रॉजर बोलता है कि अगर हमने ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए तो ये एक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर करार कर दिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स और उसके सोर्स से मिली सीक्रेट फाइल्स पर इंजंक्शन लगा दिया है। मगर फिर भी हम पब्लिश करेंगे तो कोर्ट को लगेगा कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की मिली भगत है, क्योंकि हमारा इन्फॉर्मेशन सोर्स सेम आदमी है। और फिर एडिटर बेन और कैथरीन को जेल भी हो सकती है। तो रिपोर्टर बेन एडिटर बेन को ये सब रिपोर्ट कर देता है। तो एडिटर बेन जल्दी से कैथरीन के घर पहुंच जाता है और उसे सारी बातें बताता है कि अगर हम डॉक्यूमेंट को पब्लिश करेंगे तो हमें जेल भी हो सकती है और हमारा न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट बर्बाद हो जाएगा। तो अब मुझे ये रियलाइज हुआ है कि तुम्हें इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश करने के लिए कुछ ज्यादा ही कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं। पहले रॉबर्ट मैकमेरा से अपना फ्रेंडशिप रिलेशन, फिर कंपनी बंद होने का रिस्क, और अब तुम्हें जेल भी हो सकती है। सो आई थिंक हमें ये डॉक्यूमेंट पब्लिश करने से पहले एक बार फिर सोच लेना चाहिए। इसके बाद न्यूज़पेपर के हायर अप्स की फिर से मीटिंग बुलाई जाती है और सभी लोग कैथरीन से बोलते हैं कि इस काम में बहुत रिस्क है, हमें इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश नहीं करना चाहिए। तो कैथरीन सभी को चुप करा के बोलती है कि ये कंपनी सिर्फ मेरी है और इसे चलाने का डिसीजन भी मेरा ही होगा, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो कंपनी से दफा हो सकता है। इसके बाद कैथरीन एडिटर बेन से बोलती है कि गो अहेड, कल का न्यूज़पेपर हमारी और कंपनी की फेट डिसाइड करेगा। इसके बाद कंपनी की प्रिंटिंग प्रेस चालू हो जाती है और पेपर धुआंधार छपना चालू हो जाते हैं और जल्द ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैक होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर इनकी डिलीवरी के लिए ट्रक्स निकल जाते हैं और फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग कैथरीन के ऑफिस में अटॉर्नी जनरल की तरफ से कॉल आता है कि आपको नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह नेशन इंटरेस्ट के खिलाफ एक्शन लिया है। इसके बाद रिपोर्टर बेन एडिटर बेन को एक पैकेज दिखाकर बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, वी आर नॉट अलोन, और पैकेज के अंदर देखकर एडिटर बेन काफी शॉक्ड है। तो वो जल्दी से कैथरीन के पास जाता है और कैथरीन को पैकेज से कुछ न्यूज़पेपर दिखाकर बताता है कि कैथरीन, वी आर नॉट अलोन, हमने डॉक्यूमेंट को कल पब्लिश किया और आज तुम्हें फॉलो करते हुए काफी सारे न्यूज़पेपर्स ने डॉक्यूमेंट पब्लिश किए हैं, यानी इस रिवॉल्यूशन में हम अकेले नहीं हैं। और ये सब देखकर बेन और कैथरीन बहुत खुश हैं और प्राउड फील कर रहे हैं। और फिर कोर्ट हियरिंग का दिन आ जाता है जहां पर काफी भारी तादाद में पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही होती है। इसके बाद कोर्ट हियरिंग में वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के लोग एक साथ शामिल होते हैं। इसके बाद कोर्ट में पूरे केस की सुनवाई होती है। इसके कुछ दिनों बाद एक आदमी वॉशिंगटन पोस्ट के ऑफिस में कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आता है और बताता है कि वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स केस जीत चुके हैं, 9 में से 6 जजेस ने हमारे फेवर में वोट दिए हैं। और ऐसा सुनकर सभी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जजेस का ओपिनियन ये है कि प्रेस वॉज टू सर्व गवर्न्ड, नॉट द गवर्नर्स, यानी प्रेस पब्लिक के लिए सर्व करती है, ना कि डिसीजन मेकर्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट डे का पेपर छपता है कि कोर्ट ने न्यूज़पेपर के फेवर में डिसीजन लिया है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो बी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।